बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका नाम प्यारी था। एक दिन वह जंगल में अकेले बैठी थी, तभी वह देखती है एक कौवा उसकी ओर आ रहा है और वह आकर चिड़िया के पास बैठ जाता है। चिड़िया कौवे से पूछती है, तुम कौन हो? तुम मेरे पास आकर क्यों बैठे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं जंगल में। क्या तुम इस जंगल में नए हो? कौवा बोलता है, हाँ मैं इस जंगल में नया रहने आया हूँ और मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक सुंदर कबूतर आ जाता है और वह देखता है कि चिड़िया एक कौवे से बात कर रही है। कबूतर बोलता है, अरे ये क्या, तुम इस काले पक्षी से क्यों बात कर रही हो? तुम तो इतनी सुंदर हो और ये एकदम काला है। छोड़ो इसे, चलो हम जंगल में कहीं घूम कर आते हैं। इतना कहकर कबूतर और चिड़िया वहाँ से उड़ जाते हैं और कौवा भी वहाँ से उड़ जाता है। जंगल में जिस जगह कबूतर और चिड़िया जा रहे थे, कौवा भी वहीं चला जाता है। यह सब देखकर कबूतर गुस्सा हो जाता है और वह प्यारी चिड़िया से बोलता है, ये कौवा कितना बेशरम है, इतना कुछ सुनने के बाद भी यह हमारे पास ही आकर बैठा है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी निकल लो। ये कहकर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है, पर प्यारी चिड़िया वहीं बैठी रहती है। कौवा प्यारी चिड़िया से पूछता है, तुम कबूतर के साथ क्यों नहीं गई? चिड़िया बोलती है, मैं किसी के रंग को देखकर भेदभाव नहीं करती, सभी पक्षियों से बात करती हूँ।